जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बिरसा नगर में बनने जा रहे पीएम आवास योजना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी आवास बनाए जाएंगे उसके लिए किसी भी अतिक्रमित घरों को तोड़ा नहीं जाएगा। पिछली सरकार ने कुछ अतिक्रमित घरों को तोड़ दिया था, उसे लोग मरम्मत करके रह रहे हैं। अब किसी भी घर को तोड़ा नहीं जाएगा। अगर किसी घर को हटाने की जरूरत होगी तो जितनी भूमि में उसका घर है उतनी ही भूमि में कहीं और उसे नया घर बनाकर दिया जाएगा। इस कार्य में थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन इसे जरूर पूरा किया जाएगा। क्या यही है? यही है। और कहीं स्कोप है कि नहीं रास्ता नहीं स्कोप? रास्ता इसका सार्थक। तो लाभुक का चयन अभी हम लोग 15,000 हम लोग के पास आवेदन आया हुआ है। 15,000 में अभी हम लोग जो है 3,000 लोगों को यहाँ आवंटन कर चुके हैं, प्लस 3,000 लोगों का बागुन हाथी में आवंटन हुआ है। तो ऐसे करके अभी यहाँ के लोग जो 2015 से पहले जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया में निवास कर रहे हैं वैसे लोगों को हम लोग यहाँ आवास आवंटित करेंगे और उनको लॉटरी के माध्यम से फिर उनका तय किया जाएगा कि इसको किस तल्ला में मिलना है, किसको ग्राउंड। देखिए, शुरुआती में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले उस समय की सरकार ने कई घरों को इससे तोड़वा दिया था प्रधानमंत्री आवास बनना। हम चुनाव जीते उसके बाद सरकार से बात किया, सेक्रेटरी से बात किया, जो नक्शा था उसमें मार्क किया लोगों ने कि ये हम हटा देंगे, ये नहीं बनाएंगे। यही हुआ कि जो घर टूटा है पहले से बना हुआ है वो वैसे उसको मरम्मत करके रहें लोग। अब कोई नया घर बनाता है उसकी जिम्मेदारी हम लोग की नहीं है। तो इसी पर हमने इनसे कहा है कि एक बार ड्राइंग लीजिए, जेनेसी के अफसर के साथ बैठिए, जो रांची में जुटकों के इंचार्ज हैं उनको।